चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात अब सीडी कांड की कर लेते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में इन दिनों सीडी कांड पर सियासत गरमाई हुई है और अब सीडी कांड में भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर की भी एंट्री हो गई है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह को करारा जवाब देकर कहा कि बहुत जल्द वो नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के काले कारनामों को उजागर करने वाली है। सांसद ने कहा कि लाहर के गोविंद सिंह जी भी हैं और लाहर की मैं भी हूँ, मैंने उनकी कुंडली निकाल दी तो वो कांग्रेस में कहीं रहने लायक नहीं बचेंगे। अगर वहाँ टिक जाए एक मिनट भी तो फिर बताओ, मैं सिर्फ कुछ समय का इंतजार कर रही हूँ, कुछ समय की प्रतीक्षा कर रही हूँ, क्योंकि लाहर के गोविंद सिंह जी हैं और लाहर की मैं भी हूँ और मेरे पिताजी बड़े थे, इसलिए पहले हमारे पिताजी हैं, उसके बाद ये कब आए हैं वो मुझे इतिहास मालूम है इनका, तब से लेकर के और लास्ट तक आज तक का, अगर मैंने उनकी कुंडली निकाल दी तो वो कांग्रेस में नहीं कहीं रहने लायक नहीं बचेंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ कि सावधान गोविंद सिंह जी पूरे कारनामे काले हैं। हाँ। और अगर विश्वास ना हो तो मैं जल्दी से ही कर रही हूँ, मैं कुछ समय की प्रतीक्षा कर रही हूँ, मतलब कुल मिलाकर आप भी उसका खुलासा करेंगे जल्द से जल्द? मैं करूंगी, आपके पास प्रमाण है? बिल्कुल तरीके से करूंगी आज तक का। तो देखिए ये बड़ा बयान साध्वी प्रज्ञा सिंह की ओर से दिया गया है, लेकिन गोविंद सिंह ने क्या कहा था पहले वो भी सुन लीजिए। अगर आदरणीय बीडी शर्मा जी मेरे निवास पे आए, मैं उनको फूल मालाओं से स्वागत करूंगा और उनको हम अपने निवास पर जो सीडी में हमारे पास चित्र हैं, जो हमें हमारे मित्रों के द्वारा मुझे दिए गए हैं, मैं उनको दिखा दूंगा, लेकिन सार्वजनिक रूप से सीडी का प्रकाशन नहीं करूंगा आज तक का। तो देखिए जरा सीडी कांड पर मध्य प्रदेश में अब जुबानी जंग और भी ज्यादा तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का बयान आया सीडी कांड पर और बीजेपी के नेताओं पर दरअसल उन्होंने कई आरोप लगाए और उनका ये कहना है कि बीडी शर्मा मेरे घर आए, मैं उनको ये सीडी दिखा दूंगा, लेकिन उस पर बयानबाजी तेज हो गई। अब साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की ओर से ये बड़ा बयान दिया गया है कि मैंने अगर गोविंद सिंह की कुंडली निकाल दी तो वो कांग्रेस में नहीं बल्कि कहीं भी रहने लायक नहीं बचेंगे, मेरे पास उनके काले कारनामों का चिट्ठा है। ज्यादा बातचीत हम करेंगे, हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मनोज जी, गोविंद सिंह ने एक बड़ा बयान दिया सीडी को लेकर, अब तक हालांकि सीडी सार्वजनिक नहीं की गई है, ना ही किसी नेता को दिखाई गई, वही जवाब दिया गया साध्वी प्रज्ञा सिंह की ओर से, तो उनका भी ये कहना है कि मैं सही वक्त का इंतजार कर रही हूं और अगर वैसा हो गया तो गोविंद सिंह कहीं रहने लायक नहीं रहेंगे। देखिए जया, सीडी को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है और हमें लगता है जिस तरह से रोज ही बयान किसी ना किसी के आ रहे हैं, गोविंद सिंह के बाद खुद कमलनाथ का बयान आ गया जिन्होंने साफ कर दिया कि सीडी है, सीडी उन्होंने देखी है, उसके बाद फिर गोविंद सिंह का बयान आ गया, फिर बीडी शर्मा का बयान और अब सांसद प्रज्ञा सिंह जो हमेशा चर्चाओं में बनी रहती है अपने बयानों को लेकर, उन्होंने फिर एक बयान देकर बवाल मचा दिया। अब ऐसे कौन से सबूत, कौन से साक्ष्य, कौन से तथ्य प्रज्ञा सिंह के पास है, लेकिन उनके बयान को लेकर कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। बड़ी बात यह भी है कि 2023 के चुनाव की जब हम चर्चा करते हैं कि आखिर ये इलेक्शन होगा कैसे, ये चुनाव कैसा होगा, तो क्या सीडी और इस तरह की सियासत वास्तव में उस दौर में दिखाने वाली है या दिखने वाली, या कांग्रेस के रणनीतिक तौर पर ये कदम है कि एक तरह से दबाव बनाया जाए, लेकिन ये जरूर है कि पूरे घटनाक्रम को लेकर बवाल मचा हुआ है, थमने का नाम नहीं ले रहा है, कई तरह के आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ विकास की बात कही जाती है, दूसरी तरफ ये सब मुद्दे आ जाते, लेकिन जनता को विकास से मतलब है, आपने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया, इस पर बात होना चाहिए, लेकिन इससे इतर हटकर बात सीडी पर बहस छिड़ गई है और ये बहस बड़ी लंबी जाने वाली और ये इशारा भी कर रही है कि 2023 में कि यही सब दिखाई देने वाला, तो ये चिंता का विषय भी हो सकता है। निश्चित तौर पर मनोज जी, ये बात बिल्कुल सही आपने कही है कि ये वाकई में चिंता का विषय है, क्योंकि अभी जो समय है वो जनता के बीच जाकर विकास कार्य गिनाने का है, लेकिन देखिए इस वक्त मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति इस वक्त चल रही है। फिलहाल शुक्रिया आपका मनोज जी तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए सीडी कांड को लेकर अब बयानबाजी और भी ज्यादा तेज हो गई है। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने बड़ा बयान दिया,
चलिए इसी पर और भी ज्यादा बातचीत हम करेंगे। दो राजनीतिक मेहमान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, पंकज चतुर्वेदी जी प्रवक्ता बीजेपी से साथ में जुड़े हैं, इसके साथ ही के मिश्रा जी हैं मीडिया विभाग अध्यक्ष मध्यप्रदेश कांग्रेस से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। पंकज जी सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। सर आखिर कौन सा काला चिट्ठा सांसद प्रज्ञा के हाथ लग गया है जिसे लेकर उन्होंने खुले तौर पर चेतावनी गोविंद सिंह जी को दे दी है कि अगर सामने आ गया तो कहीं रहने लायक नहीं रहेंगे? देखिए प्रज्ञा जी भी उसी भिंड जिले के लहार क्षेत्र में बाल्यकाल से छात्र जीवन में सक्रिय रही जी, जहाँ से डॉक्टर गोविंद सिंह जी हैं, और यदि उन्होंने कुछ कहा है तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ ऐसी जानकारी उनके पास होगी। उस क्षेत्र की निवासी हैं, वहाँ उनका बाल्यकाल और युवावस्था का बहुत लंबा समय व्यतीत हुआ है और छात्र राजनीति में और बाद में सनातन धर्म के लिए उस क्षेत्र में बहुत काम किया है। तो मुझे लगता है कि जरूर उनके पास कुछ न कुछ ऐसा होगा जिसका उन्होंने उल्लेख किया डॉक्टर गोविंद सिंह जी के प्रति। तो ये सामने कब आएगा पंकज जी, आखिर क्यों नहीं सार्वजनिक किया जा रहा है? करेंगे सार्वजनिक, मुझे लगता है कि प्रज्ञा जी एक परिपक्व राजनेता हैं, सांसद हैं, साध्वी हैं, तो वो श्रेष्ठ समय जब उचित समझेंगे विषय पर और संवाद करेंगे। लेकिन पंकज जी आखिर इंतजार किस बात का किया जा रहा था? गोविंद सिंह का बयान सीडी कांड पर, एक तरफ सियासत मची हुई है और दूसरी तरफ उसके बाद भी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का ये बयान आना, क्यों आखिर इंतजार किया जा रहा था इतना लंबा? नहीं नहीं इंतजार का विषय नहीं, विषय सिर्फ इस बात का है जो सवाल कल भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी ने पूछा कि यदि ये हनी ट्रैप कांड की सीढ़ी है जैसा कमलनाथ जी भी कह रहे हैं तो ये तो सरकारी दस्तावेज है, SIT की जांच का डॉक्यूमेंट है जी। तो डॉक्टर गोविंद सिंह जी तक कहां पहुंचा? उन्होंने काले चिट्ठे की बात करी, सीढ़ी की बात नहीं करी प्रज्ञा जी। तो बहुत सारे विषय ऐसे होंगे जो एक स्थानीय राजनेता के नाते प्रज्ञा जी के पास होंगे और यदि जब वो उचित समझेंगी तब उसके बारे में चर्चा करेंगे। और हम तो ये जानना चाहते हैं कि जिस प्रकार की सीडी का उल्लेख कमलनाथ जी डॉक्टर गोविंद सिंह जी कर रहे हैं तो कहां से इनके पास आई, क्या इनका उद्देश्य था इनको एकत्रित करने का? तो बाकी तो डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने स्वयं कहा था, आपको यदि स्मरण मंत्री थे, कि मैं अपनी असफलता स्वीकार कर रहा हूं, माफिया के ऊपर मैं नियंत्रण नहीं कर पा रहा अपने क्षेत्र में, मंत्री होने के बाद भी असहाय महसूस कर रहा हूं। तो बहुत सारे विषय हैं और यदि डॉक्टर गोविंद सिंह जी चाहते हैं तो प्रज्ञा जी ने उसका उत्तर उनको दिया। ठीक है सर, जवाब ले लेते। के मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के मिश्रा जी क्या कहेंगे, क्योंकि बीजेपी की ओर से तो दावा किया जा रहा है कि कुछ तो हाथ लगा है प्रज्ञा सिंह ठाकुर के, जिसे समय रहते सार्वजनिक कर दिया जाएगा। देखिए सर, प्रज्ञा सिंह ठाकुर दुर्भाग्य से निर्वाचित राजधानी भोपाल की सांसद हैं। मैं उन्हें कांग्रेस पार्टी की ओर से आमंत्रित करता हूं कि डॉक्टर गोविंद सिंह जी के खिलाफ यदि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो लेकर क्यों नहीं आती है, नंबर एक। नंबर दो, उनके वीडियो को कल मैंने सुना है, उसमें उन्होंने कहा है कि डॉक्टर गोविंद सिंह जी क्या हैं, सिर्फ नेता प्रतिपक्ष और विधायक हैं, ये मैंने खुद सुना है उसको जी। तो मैं प्रज्ञा जी से पूछना चाहता हूं कि वे क्या हैं? वो सिर्फ एक सांसद हैं और सांसद के पहले वो क्या थी? अपने ही साथी सुनील जोशी की हत्या की हत्यारिन, जिन्हें कोर्ट ने इसलिए बरी किया कि अभियोजन पक्ष तमाम सबूतों के बावजूद राजीव आपके साथ जो जज हैं जिन्होंने फैसला दिया था उसकी PDF मेरे पास रखी हुई है, आप कहेंगे तो मैं आपको भी भिजवाऊंगा। उसमें उन्होंने ये लिखा है कि तमाम साक्ष्यों के बावजूद अभियोजन पक्ष यानी सरकार अपना साबित नहीं कर पाई आरोप को, इसलिए उन्हें शंका के आरोप में बरी किया जाता है, यानी वो शंका के आरोप में बरी हुई है। बम ब्लास्ट में मालेगांव की आज भी आरोपी है तो वो सांसद बन गई, इससे वो हत्यारी और विस्फोट करने वाली आतंकी उससे बरी नहीं हो सकती जब तक मालेगांव का मामला सामने नहीं आए। और डॉक्टर गोविंद सिंह राजनीतिक संत हैं, जब ये पैदा नहीं होंगी, ठीक है मिश्रा जी सर, आप मेरा निवेदन सुन लीजिएगा, मेरा निवेदन सुन लीजिएगा, जब ये पैदा नहीं होंगी तब से वो विधानसभा में हैं, और यदि वो राजनीतिक संत के खिलाफ यदि इनके पास कुछ है तो देती क्यों नहीं है? सर सवाल तो फिर ये बीजेपी भी उठा रही है ना, कांग्रेस भी तो, कांग्रेस से यही सवाल तो बीजेपी कर रही है कि अगर गोविंद सिंह के पास कोई सीडी है, कोई सीडी है तो उसे दिखाए, फिर उसे सार्वजनिक करे, सीडी भी तो सार्वजनिक नहीं हो रही। मौका आने पर वो भी की जाएगी, सीडी प्रदीप जोशी की भी जो उज्जैन के थे इनके जारी हुई है, सीडी संजय जोशी जी की भी जारी हुई है, सीडी राघव जी की भी जारी हुई है, और आने दीजिए वक्त, ये तमाम चेहरे जो मस्तक पर टीका लगा के घूमते हैं वो सारे लोग बेनकाब होंगे। और मैं फिर कह रहा हूँ कि कमलनाथ जी जैसे सख्त झूठ नहीं बोलते हैं, वो मुख्यमंत्री थे इसलिए उनके पास वो सीडी है, क्योंकि जांच एजेंसियां एक मुख्यमंत्री का अधीनस्थ होती है। जिस दिन हनी ट्रैप की सीडी जारी हो गई, कई अधिकारी और भाजपा आदि भाजपा के नेता साफ हो जाएंगे, इसमें मंत्रिमंडल में शामिल लोग भी हैं, ये मैं दावे से कह रहा हूँ।
चलिए ठीक है, इंतजार किया जाएगा मिश्रा जी और पंकज जी के बीजेपी आखिर क्या कुछ लेकर सामने आती है, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जिसका दावा कर रही है, वही दूसरी तरफ आखिर कौन सी सीडी है जिसमें बीजेपी के इतने नेता हैं और इसे सार्वजनिक करने की बात कांग्रेस की तरफ से भी कही जा रही है। फिलहाल शुक्रिया आप दोनों का ही बंसल न्यूज से बातचीत के लिए।